ऑल राइट गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि बजट फोन के बारे में, जो कि बहुत ही इंडिया के अंदर में आकर के कमाल कर दिया है, मतलब एकदम माला माल धमाल मचा करके रख दिया है। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मोटो Z54 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर में लगभग 2 महीना होने को है लॉन्च किया था। और ये करने के बाद ये अभी तक इसका मार्केट इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, वही चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप भी एक बजट फोन खोज रहे हैं तो आप सही वीडियोस पे क्लिक किए हैं, लेकिन क्लिक किए हैं तो आपको एक शर्त है कि आप ये वीडियोस को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कि इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो जी हां, इस फोन का जो है मोटो Z54, इसका अगर मैं स्टोरेज की सबसे पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि स्टोरेज भी इसका बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है, तो स्टोरेज जो इसके अंदर में मिलती है वो मिलती है 12GB रैम एंड 256GB का स्टोरेज। समझ सकते हैं कि 14,000 का फोन में इतना बड़ा स्टोरेज देखने को मिलती है, और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, रियलिटी है कि इसके अंदर में इतना बड़ा स्टोरेज मिलती है। साथ ही साथ 6000 mAh का बैटरी नहीं बैटरा मिलता है। जी आप समझ सकते हैं कि 5000 फ्लैगशिप लेवल में आ रहे हैं, लेकिन ये एक 14000 के फोन के अंदर में आपको 6000 mAh का बैटरी, साथ ही 33W का फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो कि लगभग थोड़ा सा फोन को चार्ज करने के लिए टाइम लेती है, आपको 1 घंटा लगभग ले लेगी, 1 घंटा से ऊपर तो ही आपको ये फुल चार्ज होगी। लेकिन एक बार अगर फुल चार्ज हो जाती है तो आपको एकदम 2 दिन आराम से चल जाएगी। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो, गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको कम से कम ये 1.5 दिन, मतलब 1 दिन से ज्यादा आपको चलने वाली है। तो स्टोरेज काफी बड़ी सी है, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये अगर स्टोरेज दे दिया है, बैटरी दे दिया है तो और कुछ नहीं होगा, नहीं भाई साहब, उसके लिए आपको वीडियोस को पूरा देखना होगा। और हां, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत लोग तो मेरे वीडियोस को प्यार को देते हैं, सपोर्ट करते हैं, देखते भी हैं, बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब, लाइक और हो सकता है तो कमेंट भी अपना ओपिनियन कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी बैक पैनल। तो बैक पैनल जो इसके अंदर में यूज किया गया था वो काफी कमाल का है। अगर आप देखोगे या फिर देखते होइएगा तो इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्लास्टिक का ये बैक पैनल है, आपको एकदम लगेगी कि ये इसके अंदर में जो है वो एकदम मतलब ग्लासेस टाइप का फील होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि ग्लासेस का ये बनाती ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर और भी ज़्यादा हो जाती तो ये ग्लासेस का ही हो जाती, बट ग्लासेस का परत जो था ऊपर से नहीं चढ़ाई गई है। बट ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आपको वैल्यू फॉर मनी देती है। 2 कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में मिलती है, इसमें 2-3 कलर आपको मिल जाते हैं, एक आपको मिंटोस मिल जाते हैं, ब्लू मिल जाते हैं, और एक जो है वो ब्लैक मिल जाते हैं। तो आप कोई भी चूज आप ले सकते हैं, इस फोन के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं डिस्प्ले की बात कर लेता हूं तो डिस्प्ले जो इसमें दिया गया था, इन हैंड फील्ड काफी अच्छा होगा, 6.55 इंच का जो है एमलेट पैनल के साथ ये डिस्प्ले तो नहीं आती है, बट IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले आती है, और आप इसको एमलेट पैनल से एकदम डायरेक्ट टक्कर दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। अगर आप इसको देखोगे, इसका ब्राइटनेस वगैरह भी काफी अच्छा दिया गया है, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक एमलेट पैनल नहीं है, ये एक IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले है। कहां इस प्राइस में कोई फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं देती है, लेकिन ये है 14,000 में इतना कुछ मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है थोड़ा सा प्रोसेसर, वो आपको लग रहा होगा कि शायद अब प्रोसेसर में कमी कर दी होगी, तो जी नहीं, प्रोसेसर जो है इसके अंदर में परफॉर्मेंस को लेकर के 7020 का प्रोसेसर आता है, जो कि लगभग 25,000-20,000 प्लस में ही जाते हैं, तो ही ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलती है, जो कि MediaTek का लगाया गया है। अंततः स्कोर भी लगभग 5 लाख से ऊपर चली जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोसेसर इसका दमदार दिया गया है। आप इसमें BGMI PUBG जैसे गेम को इंजॉय कर सकते हैं, COD खेल सकते हैं, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और क्या चाहिए इस फोन के अंदर में। इस फोन को एकदम कैपेबल बनाने के लिए ये बहुत अच्छा बात है कि इसका प्रोसेसर, बैटरी, इसका मतलब डिस्प्ले सब तगड़ा दिया गया है, कोई भी चीज ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। अब बात कर लेते हैं इसकी, अगर मैं मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया में भी आप फुल HD जो वीडियोस होती है वो देख सकते हैं। हाँ, इसमें नेटफ्लिक्स का सपोर्ट नहीं मिलता, वो भी मिल जाता तो और मजा आती, बट इसमें आप फुल HD में देख सकते हैं, देखते हैं वीडियोस को, YouTube में हो या फिर नेटफ्लिक्स में हो या फिर आप कह सकते हो Amazon में, सारे जगह पे फुल HD को ये सपोर्ट भी करता है। साथ ही साथ और भी मजा मत की बात तो ये है कि इसमें जो है सेट्रो स्पीकर्स यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। सेट्रो स्पीकर से अगर आप देखते हैं वीडियोस वगैरह तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक परफॉर्मेंस लेवल लेकर के
जाती है, जो कि एकदम मजा ही आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए एक लाइक तो बनती है। अब बात कर लेते हैं कैमरा, क्योंकि कैमरा भी इसका बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो कैमरा बैक साइड में दो दिया गया है, वहीं पर एक 50 मेगापिक्सल का विथ OIS, मतलब समझ सके और सकते हो, और दूसरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं, मतलब क्या है भाई, मतलब OIS वो भी 14,000 के फोन में मिल रही है आपको, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 14,000 के फोन में OIS का सपोर्ट कहाँ मिलता है, वो भी 50 मेगापिक्सल का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा ये फोन होने वाली है। साथ ही साथ दूसरा जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट मिल जाता है, मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जी हाँ, तो ये अच्छी बात है। पिक्चर्स वगैरह तो काफी तगड़ा लेवल का ले ही सकते हैं, स्टेबिलिटी का थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप ट्राईपोर्ड वगैरह पे अगर आप पिक्चर्स निकालते हो, वीडियोग्राफी करते हो, काफी अच्छी निकल कर के आती है। अल्ट्रा वाइड एंगल से आप ब्लॉगिंग वगैरह भी बहुत अच्छे लेवल का कर सकते हैं। और इसका पिक्चर्स के लिए अगर आप कहोगे तो स्पेशल इस पे मैं कैमरा के ऊपर एक वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि विथ OIS के साथ आती है, ये मत भूलिए। 20-25 हज़ार के फोन में भी OIS बहुत में नहीं आती है, कम से कम 25,000 लगाना पड़ता है, तो वही OIS का सपोर्ट आता है, बट इसमें आपको 14,000 में। अगर फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो फ्रंट कैमरा में भी 16 मेगापिक्सल आपको मिल जाते हैं, जो कि सारे फोन 50,000 के फोन में भी 16 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही दे दिया गया है, एकदम जेन्युइन सेंसर दिया गया है, जिससे आप बहुत ही कमाल का शार्प पिक्चर क्वालिटी वगैरह आप सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो क्वालिटी फुल HD में आप इसमें कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप ओवरऑल में अगर मैं बात कर लेता हूं इस फोन का, तो मैंने बेसिक चीज जो इसके अंदर में जो हाईलाइट चीज है वो सारे चीज इसका बहुत ही बेस्ट है, जो कि मैंने अभी तक मैंने बताया हूं। और उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग को काफी अच्छी भी लगी होगी, अगर आपके पास अगर 14,000 का बजट है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि फुल्ली नहीं 200% आप इस फोन को आंख बंद करके ले लीजिए, चाहे जहां से मिलता हो वहां से मिंटोस कलर वाले लीजिएगा, तो काफी आपको प्रीमियम भी फील देगी, पोर्ट्रेट्स वगैरह सारे चीज इसमें अवेलेबल है। साथ में 14 बैंड का 5G का बैंड है, ब्लूटूथ 5.2 है, उसके बाद इसमें वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, सारी चीज़ें, एक NFC नहीं मिलती है, जो कि उतना मैंने भी नहीं रखती है NFC इस प्राइस में अगर मैं बात कर लें तो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये फ़ोन को डेफिनेटली ले सकते हैं, इसके अंदर में ना तो हीटिंग का इशू है, ना तो कोई भी गेमिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हो, सारे चीज़ इसके अंदर में पैक कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और क्या मुझसे अगर कुछ कहना है या फिर अपना ओपिनियन देना है, कुछ और कहना है कैमरा टेस्टिंग के बारे में, या फिर और भी डिटेल वीडियोज़ चाहते हैं इसके ऊपर में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका डिमांड को मैं जरूर पूरा करूंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।